हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चक्रवाती तूफान व भारी बारिश की चेतावनी से प्रशासन अलर्ट, पालिका ने शहर में करवाया गया अनाउंसमेंट। सिरोही से आबू रोड पहुंची एसडीआरएफ की टीम। चक्रवाती तूफान मध्यम व भारी बरसात की चेतावनी के चलते नगर पालिका प्रशासन की ओर से शहर में अनाउंसमेंट करवाया गया, लोगों को सावधानी बरतने को आगाह किया गया। साथ ही चक्रवात तूफान से बचाव के लिए राउंड द क्लॉक नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं। माउंट आबू उपखंड कार्यालय आबू रोड नगर पालिका कार्यालय, माउंट आबू नगर पालिका आबू रोड पंचायत समिति कार्यालय व आबू रोड तहसील कार्यालय में नियंत्रण कक्ष खोल दिए गए हैं। राहत व बचाव के लिए आवश्यक उपकरण व साजो सामान रखवाया गया है। वहीं सिरोही से एसडीआरएफ की टीम आबू रोड पहुंच चुकी है। मौसम विभाग की ओर से चक्रवाती तूफान की आशंका व्यक्त की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर व आपदा प्रबंधन अधिकारी सचिव की ओर से इस बारे में चेतावनी जारी की गई, जिसके चलते नगर पालिका की ओर से शहर में ऑटो के माध्यम से अनाउंसमेंट करवाया गया। लोगों को मौसम में आए बदलाव, चक्रवाती तूफान व भारी बारिश के बारे में आगाह किया गया। एहतियात बरतने की सलाह दी गई, घरों में रहने का आग्रह किया गया। एसडीएम अभिषेक सुराणा ने सभी विभाग दक्षियों, कार्मिकों, पटवारियों व एएनएम आदि को मुख्यालय पर रहने के लिए पावन किया है। तैराकों की सूची तैयार कर ली गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी को रोड क्लीनिंग पार्टी गठित करने के निर्देश दिए गए। तेज अंधेड़ के समय बड़े पेड़ों के गिरने से सड़क या मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर तुरंत ठीक किया जा सके, आम जन को राहत प्रदान करने के लिए तैयारी रखने व समस्त विभागों को अपने स्तर पर आपदा टीम तैयार रखते हुए सजग रहने निर्देश दिए गए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मगननाथ चारण, चेयरमैन नगर पालिका आबू रोड, इन्होंने ये कहा। तूफान से जो अलर्ट किया है सरकार ने, उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर दी है। हमारे पास जो जेसीबी एनी टाइम तैयार करने के लिए हमने निर्देश कर दिए हैं, वो जेसीबी हमारे पास तैयार है। जेट पंप है, अन्य जो चीजें हैं उससे पूरी तैयारी करके रखी हमने। तूफान से जेसीबी लेके आरएसीबी और उससे कॉन्टेक्ट किया है, तहसील में कॉन्टेक्ट किया है। जो भी समस्या के बाद हमारे कंट्रोल रूम बना रखा है, उस कंट्रोल में एनी टाइम कभी भी सब चीज़ें उपलब्ध हैं। टॉर्चे हैं, पावड़े हैं, गेती तगारे, कटर मशीनें हैं, पेड़ काटने की मशीनें हैं, इन सारी मशीनों को हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। किसी टाइप से कोई तकलीफ नहीं आने वाली। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।